Hey guys, welcome back to my channel. आज मैं आपका नॉल है BDS Confess Secret, Jimin Flood with JK, JH and JM Fight, हिंदी डबिंग. ठीक है, ये गाइज हमारे सब्सक्राइबर ने रिकमेंड की चेकआउट करने के लिए संघिंग. यह चैनल क्यूट लाइफ से, आपको पता ही हमें हम क्यूट लाइफ की वीडियो देखते रहते हैं. ते सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओहो, इन्होंने इंट्रो भी बना ली. BTS अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे. ठीक है, अच्छा ये वो वाला है. ये हमने वह ओरिजिनल वाला नहीं देखा इसका एपिसोड, बट चलो आए डबिंग वाले देख ले. ना कि तुम्हारा बाप. पापा जी आप जिहोक को जानते हो? बेटा जी ये चर्च है, ना कि तुम्हारे बाप का पुलिस स्टेशन. तो पहले आप अपने बारे में बताएं, फिर अपने करतूतों के बारे में बताएं. पापा जी ओ. ये बातें उस काली अंधेरी रात की जब जिहोक जैसा हरामी दोस्त मेरी जिंदगी में आया. मैं जिमिन और क्या लिखा गया है. एक मिनट अच्छा जी हो, एक साथ एक रूम में रहते हैं. एक साथ चक्कर क्या है बेटा जी? तो फिर नॉटी ना बनो, बस मेरी बात सुनो. अच्छा ठीक है, सुना दो, लेकिन जल्दी मुझे चर्च का प्रसाद खाने जाना है. कल रात की बात है, मैंने जी चर्च में मिलता प्रसाद को किसी काम से बुलाया. उस समय वो नहा रहा था और वो बाथरूम से ऐसे ही बाहर आ गया, एकदम नंगा बिना कपड़ों के. जब मैंने उसके बुब्बू को देखा, मेरी फटके चार हो गए. तो तुमने अपनी आंखें बंद क्यों नहीं की? क्या तुम भी जिहोक को नंगा देखना चाहते थे? तुम तो शक्ल से ही बेशर्म. ये किधर गए चले? ये क्यों ले? ये तो बच्चों के लिए नहीं था. इतनी में होगी कि तुम ये सब भूल जाओ. और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. हाँ, मेरी एक और प्रॉब्लम है पापा जी. बताओ, बच्चा डरने का नहीं. अबे बुड्ढे, याद तो करने दे. संस्कार सम्मान को आग लगा दिया तुमने, थोड़ी तो इज्जत करो मेरी. याद आया क्या? मुझे उस क्यूट जिमिन के बारे में कुछ बताना है. हाँ बताओ बच्चा. तब से मैंने उसे टीवी पे देखा है, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सर्च किया है. वो अपनी चीजें साफ रखता है, रोज नहाता है, अच्छे से प्रैक्टिस करता है और स्टेज पे भी आग लगा देता है. अभी तक वो जिमिन को वैसे वाला फादर समझ रहा था, अभी एक्चुअल डैड वाला फादर वो दूसरा होता है. अच्छा सॉरी, थोड़ा और पास आओ और बड़े टाइम 2 मिनट लगेंगे अब खड़े, ताकि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो सके. कौन से मंत्र? आप पास तो आओ, इतने पास चलेगा? नहीं बेटा जी, थोड़ा और पास आओ और अपनी आंखें बंद कर लो. आने दो, आने दो, आने दो, थोड़ा और ऊपर. हां शाबाश, अब अपने होंठों को पास मिला, थोड़ा थोड़ा. हां अमीने, अमीने जी. पापा जी थैंक यू, अपना ध्यान रखना. तू तो मुझे घर पे मिल, साले तेरी जान ले लूंगा. आज ही मैं पागल खाने जा रहा हूँ. अरे आजकल के फादर तो बड़े स्टाइलिश है, बालों में पान की पिचकारी लगा के घूम रहे. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम यहाँ किस लिए? अब इसका भी पढ़ना पड़ेगा, एक मिनट. ए हाँ, पान की पिचकारी लगा के घूम रहे. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम यहाँ किस लिए आए हो? माय बेबी, आप बेबी को जानते हो? वो डायनामाइट वाले? नहीं, वो डायनामाइट वाले. हाँ मैं जानता हूँ, मैं उन सब में से बड़ा हूँ. क्या ये बात सच है? डायनामाइट सबसे छोटा कौन है? कौन है? जिन. उसके कंधे इतने लंबे हैं कि हम उस पे कपड़े सुखा सकते हैं. तो सुखा लो, प्रॉब्लम क्या है? मुझे एक ही प्रॉब्लम है कि वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है, इसीलिए कल रात मैंने उसका रेजर छुपा दिया ताकि वो शेव ना कर पाए. ये करने से तुम्हारा रद्दी पर फायदा नहीं है बेटा,
वो नया रेजर खरीद लेगा। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है बच्चा। क्या तुमने उसे उसका बैंक अकाउंट चुरा लिया? नहीं, मैंने उसे दफन कर दिया। क्या तुमने जिनको जिंदा दफन कर दिया? ये तो मर्डर है। तुमने इतना बड़ा पाप क्यों किया? इसके लिए तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। देखो तुम टैलेंटेड हो, हैंडसम और करोड़ लड़कियों की जान भी। थैंक यू। और मेरी जान भी, माय बेबी। कौन गधा कह रहा है कि तुम्हें शेव करने की जरूरत है? ओह माय गॉड, दाढ़ी में तो तुम एकदम बवाल लगोगे, धोती फाड़ के रुमाल लगोगे। तुम बस यहाँ पे खड़े हो जाओ। क्यों? सवाल मत पूछो, बस खड़े हो जाओ यहाँ पे। क्या दाढ़ी निकालने वाले इसकी? मुझे गले लगा। मेरी परसों की तमन्ना पूरी हुई। वाह, क्या बॉडी है। अब छोड़ दरिंदे। गॉड ब्लेस यू माय क्यूटी। थैंक यू फादर। ध्यान रखना अपना। जिमी ना, आप जा रही हो रहे हो? बाय माय बेबी। बाय बाय बेबी। जेको क्यूटी। नमस्ते फादर। ये कैसा फादर निकला भी? ये तो मुझे उल्टियां हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बस थोड़ा टेंशन में हूँ। मुझे जिमिन के बारे में कुछ बोलना है। वो प्यारा बच्चा। हाँ बोलो। काहे का प्यारा? हमने जे होप कहानी पढ़ा हुआ है। एक मिनट थोड़ा पढ़ ले, पढ़ना चाहिए भी। अंडरस्टैंड। मुझे जिमिन के बारे में कुछ बोलना है। वो प्यारा बच्चा। हाँ बोलो। काहे का प्यारा? जब भी मैं उसे देखता हूँ मेरा मन करता है मैं उसे बहुत मारूं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? बिना किसी गलती के तुम उसे मारना चाहते हो? हाँ फादर, क्योंकि उसके गोलू मोलू गाल की वजह से। अच्छा, जब भी मैं उसके गुंदे हुए आटे जैसा शरीर देखता हूँ मेरा मन करता है मैं उसे पंचिंग बैग की तरह धो डालू। कमीने। उसे मार के मुझे हंसने वाला था ना। माफ कर दे, और गिनती खुद गिन लेना, मुझे आती नहीं है। 1, 2, 3, 5, 8, 12, 18। लग गया रे बस। क्या जिमिन ने मुझे माफ कर दिया? इतनी जल्दी मैं अपने पाप को माफ ना करूं? तू किस खेत की मूली है? ये आवाज तो सुनी हुई लग रही है। जिमिन तू खाने के बाद शायद तुमने मुझे माफ कर दिया होगा। हाँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। ये क्या सी लड़ाई हुई? दोनों वैसे के वैसे बैठे, कोई बाल बोल भी नहीं खिल रहे। चलो इधर आओ। फादर किधर लेके जा रहे हैं मुझे? अबे चल उठ, इधर तो आ। फादर मेरे गले लग जाओ। आ, 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 तुम जमीन हो? नहीं, वो मैं नहीं हूँ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ बोलो बच्चा, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। मेरा एपिसोड में बोला था, तो ये मतलब उससे रियल जो एपिसोड है उससे ही थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। फिर मैं बहुत जल्दी में था क्योंकि कुकी ने मुझे डिनर डेट पे बुलाया था। खाना और कुकी दोनों मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने कुकी तेरा कुकी की कुकी किया। तभी मैं सोचूं रोज मेरा ब्रश गीला कौन करता है। ये उंगली पकड़ो, तुम्हारी सारी सजा माफ हो जाएगी। ये बीच वाली? हाँ यही। भगवान करे तेरे सारे ब्रश टॉयलेट में गिर जाए और दुकानदार तुझे नया ब्रश भी ना दे। मैं पेड़ की लकड़ियों से काम चला लूंगा। ये चप्पल यहाँ किसने रखा? और तेरी नाक क्यों बह रही है? हाँ? ये मेकअप है ताकि मैं बुद्धू और लफंगा लगूं। मेकअप की क्या जरूरत थी, तू तो शक्ल से ही वो इलेक्ट्रिक ले आएगा। ये दूसरा नंबर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक की बात हो रही है। ओ अभी ईमानदार और अच्छा लड़का हूँ, इसीलिए सब मेरा फायदा उठाते हैं। आज तक मैंने सिर्फ 200 करोड़ लोगों की बेइज्जती की है। 200 करोड़ साले कम होते हैं? तू कमीना है। तू बहुत सैवेज है। अब मेरी सारी बुराइयाँ मिट गई, अब मेरा नया जन्म हुआ है। अभी तेरी ये क्या दावी? इस घटिया आदमी ने मुझे भी गंदा कर दिया। कुत्ते भी गंदा ना छिड़क लूं। स्वाहा, मैं सबकी कम बेइज्जती करने की कोशिश करूंगा। मेरी प्रॉब्लम है जेहो। क्या किया उसने? मुझसे भी अच्छा डांस करता है। ओह
ये नाम तो सुना डांस लीडर है। किस फैमिली से है वो? घोड़े की फैमिली से। क्या वो घोड़ा है? नहीं, गधा है। तो इस गधे से तुम्हें क्या मतलब है? जब भी मैं उसके सामने डांस करता हूँ वो मुझ पर गधों की तरह हंसता है। तुम ऐसा कौन सा डांस करते हो? जरा मुझे भी तो दिखाओ। आपको मेरा डांस देखना है? मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम दिखाना चाहते हो तो दिखा दो। 200 रुपए लगेंगे। अरे मेरी आंखों में कचरा चला गया, मैं तुम्हारा डांस देख नहीं पाऊंगा। 50 रुपए लगेंगे। 20 रुपए में डन कर। ओके ठीक है। बाप तो तुम्हारा। 200, 50, 20 ठीक है। मैंने पी नहीं है, मैंने पिला दी। बेवड़ा। आपको मेरा डांस कैसा लगा? तुम दारू पी? गाना नहीं पसंद आया। नहीं तो? तो तुम नशीलियों की तरह डांस क्यों कर रहे थे? ऐसा लग रहा था अभी नाले में गिरोगे। आपको मैं बेवड़ा लगता हूँ? आजकल शक्ल से थोड़ी पता लगता है। लेकिन हो सकते हो, मेरी और भी शिकायतें हैं फादर। कितनी शिकायतें इसकी? जल्दी भाग, जेके मुझे हमेशा पंचिंग बैग की तरह मारता रहता है। वो गुंडा, उसे लोगों को धोने के अलावा कुछ भी नहीं आता है। आरएम मेरी चीजें तोड़ देता है। पेगुआ मुझसे जलता है क्योंकि मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम हूँ, और वो शुगर हमेशा मेरी बेइज्जती करता रहता है, बल्कि मैं उससे बड़ा हूँ। और वो छोटा जिमी हमेशा मेरा खाना छीन के भाग जाता है। तुम इंसान हो या शिकायतों का गोदाम? अभी तो शिकायतें बाकी है, मुझे नहीं सुनना। पहली फुर्सत में निकल। ठीक है पापा जी, ये लो उंगली पकड़ो मेरी और 9 2 11 हो लो। भगवान करे तुम बहुत तरक्की करो और तुम वर्ल्ड वाइड हैंडसम नहीं हो। नाउ गेट आउट। ओके बाबा जी, बाय। क्यों? एक्सक्यूज मी। ओ ओरेम, फाइनली। रैट मास्टर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। एंड यू? आई थैंक यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? It's like, no, there's a full of questions that I can ask you, but it's not something I ask you because you hate where I'm going, so I'm going to ask you why I'm asking for that. Ali. What the? Are you foreigner? Are you foreigner? आप मिनियन की हो? अभी आराम से फिर जीएन बन गया। तो सॉरी, ये वाइब मुझे जीएन की ज्यादा लग। आप मिनियन की हो? नहीं, मेरा नाम है माइकल जैक्सन शुगा शर्मा। आप दिखने में गोरे चिट्टे हो, आपके ब्लॉन्ड हेयर है और आपकी छोटी छोटी दाढ़ियाँ भी है। क्या आप फॉरेनर हो? जी, कोरिया से। बाबा जी? हाँ बोलो। बाबा जी, मेरी प्रॉब्लम है मेरा ग्रुप, वो मेरी कभी बात नहीं मानते हैं, हमेशा अपनी मन की करते हैं। वो इतनी मानते हैं सुखना? फ्री फोकट का ट्रांसलेटर बना के रखा हुआ है मुझे। इन लोगों की वजह से मेरी कितनी बेइज्जती होती है आपको पता भी है? हम नहीं, तुम अपनी बेइज्जती खुद कराते हो। मैं अपनी बेइज्जती खुद क्यों कराऊंगा? तुम कहीं भी जाते हो, लोगों की चीजें तोड़ फोड़ देते हो। मैं चीजें तोड़ता नहीं, टूट जाती है। हाँ, मैं बोलना। अच्छा, तुम चुल्लू भर मरो। अगली बार से मैं चीजें नहीं तोड़ूंगा, लेकिन वो गलती से टूट गई तो मेरी गलती नहीं होगी। हाय रब्बा, बचाए मेरी जान। तुम्हारी सजा है कि तुम अपने ग्रुप को पार्टी दोगे, वो भी 5-star होटल। दूसरों की चीजें तोड़ोगे नहीं, सबसे प्यार से बात करोगे और अब तुम जा सकते हो। जी बाबा जी। चलो, यहाँ तो मेरी बेइज्जती हो गई। अच्छी सजा मिली। ओ, ये तो रिमिक्स है उसका डायनामाइट का। इसमें मुझे लग रहा है फिर भी जो ये ओरिजिनल एपिसोड है उसमें से थोड़ी थोड़ी लाइंस हैं वो भी मतलब इसमें हैं। ठीक ही जाते रहे मुझे लग रहा है, क्योंकि सिर्फ मुझे वो वाली टूथब्रश जारी पता थी, वो हमने टाइगी के वीडियो में देखी थी इसलिए पता है, बाकी तो। बट क्या सीखता, सभी को बराबर का अपना सजा वगैरह मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। ठीक है, ते वो बना जिमिन और शुगा बने थे फादर। एक तो फादर डैड वाला फादर, ये दूसरे वाला फादर। ठीक है, तो वो बने थे। ते शुगा ज्यादा लग रहा था बट वो वाला भी काफी अच्छा था, वो जफी पाने लग पड़ा जिमिन जेके को। तो वो जिमिन जब लड़ रहा था जी होप से, तब भी उसने जफी पाई थी। तो इससे क्या साबित होता है, अभी जिमिन जंगकुक पे भी अटैक कर रहा है और जेहोप पे भी इनडायरेक्टली, मतलब जेके पे तो नॉर्मल अटैक ठीक है, बट जेहोप के साथ लड़ के अटैक एक होता है ना अभी, ना समझ रहे हो? तो बट हमने शॉर्ट में सारा वो अराउंड एपिसोड देख लिया भाई। मुझे तो लगता है काफी सिमिलर होएगा, आप बता देना मतलब कैसा था। लाइक कि मैं राइटिंग भी आपको बोलते ही हूँ काफी सीख होती है, हमें पता नहीं क्यों अच्छी सी पॉजिटिव गुड वाइब्स आती हैं, पता नहीं क्यों लाइफ की वीडियो से।
पता नहीं क्या रीजन है बट आती है। ठीक, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक माई सब्सक्राइब, आई सी इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।